देखिए बच्चों, आपने बचपन में, अभी भी ज्यादा बड़े नहीं हुए, मतलब 5 साल में कहीं पढ़ा होगा, पिछले साल 8वीं क्लास, त्रिभुज का क्षेत्र, त्रिभुज का ये निशान बनता है। जब मैंने निशान बना दिया तो त्रिभुज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र याद रखिए होता है 1/2 आधार, आधार को कहते हैं अंग्रेजी में बेस गुणा हाइट। इसीलिए कुछ किताबों में आपने लिखा देखा होगा 1/2b × h, और ए क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। कुछ किताबों में ऐसे लिखा देखा होगा, कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा देखा। एक ही बात को हमने कई तरीके से कहा। ये सब है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्र। तो सबसे छोटा तरीका लिखने का ये है, आर लिखो, ए आर मतलब एरिया, और ब्रैकेट में उस त्रिभुज का नाम जिसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और आगे आ गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब सवाल ये उठता है कि आधार क्या है और ऊंचाई क्या है, क्योंकि क्षेत्रफल किसका निकल रहा है, त्रिभुज का, तो आधार किसका होगा और ऊंचाई किसकी होगी। अब मान लीजिए ये त्रिभुज है एबीसी, इस त्रिभुज को ऐसे भी तो कर सकते हैं सी को ऊपर बना दें, क्यों ऐसा भी तो हो सकता है, सी ऊपर चला जाए, ए यहाँ आ जाए, बी यहाँ चला जाए, या ऐसा हो सकता है कि बी ऊपर चला जाए, क्यों सी यहाँ आ जाए, ठीक है। वो तो कॉपी घुमाना है, कॉपी घुमा लेंगे, कभी बी को ऊपर कर लिया घुमा, कभी सी को ऊपर कर लिया, कभी इसको घुमाए, और जब घुमा नहीं पाया तो दिमाग में घुमाओ। बात समझ में, जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो, नहीं घुमा पा रहे कॉपी या फिर नहीं घुमानी है, इतनी मेहनत करनी है तो बैठे बैठे दिमाग में घुमा लो, वो ज्यादा आसान है कि बी ऊपर होगा दिमाग में होगा बी ऊपर, क्योंकि जो चीज हम देख रहे हैं वो रेटिना पर चित्र बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और दिमाग कैसा पड़ रहा है उसको, दिमाग तो शुरू से उल्टा काम कर रहा है, ठीक है। हम तो कोई नई चीज नहीं बता रहे आपको। अब आधार कौन होता है, ऊंचाई कौन होती है, बहुत ध्यान से समझिए। कितने शीर्ष हैं इस त्रिभुज में, तीन। एक शब्द है शीर्ष, ठीक है, शीर्ष लंब मतलब है शीर्ष से लंब, परपेंडिकुलर भी कह सकते, ठीक है। अब शीर्ष लंब एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब का मतलब होता है अंग्रेजी में एल्टीट्यूड, एटीट्यूड नहीं, एल्टीट्यूड लर्न आ जाएगा तो एटीट्यूड हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड जो है या शीर्ष लंब है, वो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक ऐसी रेखा जो 90 डिग्री कोण बनाए, इसे कहते हैं शीर्ष से, शीर्ष ए से भुजा एबी पर, ए बी सी पर डाला है, यह है शीर्ष। जिसे कहते हैं ऐसे ही इस शीर्ष से इस पे भुजा पे लटा लिया, ऐसे ही इस शीर्ष से भुजा पे लटा लिया, ऐसे ही अगर मैं एक ही त्रिभुज बनाऊं, क्यों इस त्रिभुज में यहां से इधर भी तो लंब डाल सकते हैं और इस त्रिभुज में यहां से इधर लंब डाल सकते हैं, तीनों लंब एक ही बिंदु से होकर जाएंगे, वो एक अलग मुद्दा है, अलग मुद्दा करके करके देखना एक्सपेरिमेंट, कॉपी में 90 डिग्री बना के देखना, तो आप देखेंगे कि वो एक ही बिंदु से होकर जाए, वो लंब केंद्र कहलाता है, वो चीजें बहुत आगे चली जाएंगे, वापस लौट जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर हम लिखें यहाँ पर एरिया ट्राइंगल एबीसी, वो आ जाएगा 1/2, जिसको कहते हैं हम पी, इसे कहते हैं हम क्यू, ठीक है। या किसी त्रिभुज में हम देखें तो इसे हमने कह दिया बी सी पर डाला ना, इसे इसे पी कह दो, इसे टूटल ए बी चित्र, ठीक है जी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं, अगर मैं इसको आधार मानूं तो ये लंब लूंगा ए बी गुणा सी सी, अगर ये वाला आधार मानूंगा तो ये लंब लूंगा 1/2 बी सी गुणा ए बी, और अगर ये आधार मानूंगा ए सुलभ
ऐसा दिए के आधार ये लूंगा गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं आधार ये लेंगे तो लंबे भी ले लेंगे, आधार कहेंगे ही उसको जिस पर शीर्ष लंब आया है, और हमेशा आधार के सामने वाले शीर्ष से ही शीर्ष लंब आए। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे ज्ञात हो जाए, ठीक। दूसरा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था, संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्र, मान लो ये संपूर्ण त्रिभुज, ये 90 डिग्री, इसे कहते हैं लंब और इसे कहते हैं आधार। कर्ण 90 के सामने वाला होता है, तो इस त्रिभुज में इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब तो यही वाला आ गया, या इस शीर्ष से इस पे लंब ये वाला आ गया, ये वाला, ये इस, अगर इसको आधार लेंगे तो ये लंब हो जाए और इसको आधार लेंगे तो, हाँ इसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा। इस तीसरी भुजा के लिए देखेंगे तो शीर्ष से लंब डालना पड़ेगा, लेकिन अगर हम मान लो लंब ना डालें, केवल इन दो ही भुजाओं पर बात कर रहे हैं, संपूर्ण त्रिभुज बना रहे हैं, तो इस संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अभी 1/2 आधार गुणा लंबाई, क्योंकि इसका नाम लंब रखते हैं, ऊंचाई लंब हो जाती है इसमें, कोई खाली नाम ही तो बदल रहा है तो कहानी वही, इस शीर्ष से इस वाली भुजा पर डाला गया लंब गुणा ये वाली भुजा, जिस भुजा पर लंब आके गिरेगा उस भुजा की लंबाई गुणा लंब की लंबाई और उसको दूसरे भाग कर दो, ये संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया, दो से भाग कर दो। यहां तक समझ में आ गई बात? बहुत ध्यान से कॉपी में दिमाग में बैठा बैठा के नोट करेंगे ये चीज, ये याद रखिए क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये है कि जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं उस सूत्र का प्रयोग क्यों कैसे और किस लिए किया जा रहा है, क्यों कर रहे हैं। अभी वहां पहुंचे नहीं हूं, नहीं पहुंचाऊ ना, अभी क्यों कर रहे हैं, अभी तो हम वहां पहुंचे जहां तक हम जानते हैं। अब बात करते हैं संभावु त्रिभुज पर, संभावु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती है, ए बी सी। यदि त्रिभुज ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है, संभावु त्रिभुज, जिसकी भुजा ए है, तो अगर इसकी भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तीनों भुजाएं बराबर, तो अगर मैं यहां शीर्ष लंब बनाऊं पी का गुण, ये इस पर लंब है शीर्ष लंब, तो संभावु त्रिभुज में शीर्ष लंब है वो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है, ये हमने पढ़ा है त्रिभुज वाले पार्ट में। अगर ये इस पर लंब है तो ये दो भागों में बांट देगा, ये भी a by 2 और ये भी a by 2। या संभावु त्रिभुज की एक भुजा का लंबवर्धक संभावु त्रिभुज के शीर्ष से होकर जाता है, समझ में आ गया। अब क्योंकि अगर AP लंब है BC पर, यहां से तुरंत हमें पता लग जाएगा कि BP बराबर है PC बराबर है 1/2 A यानी A बटा, ये एक संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, बनना है पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, त्रिभुज ABC में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो कर्ण का वर्ग 90 के सामने कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग आधार यूजिंग पाइथागोरस, कोई दिक्कत इसमें? यानी तो पाइथागोरस, अब ए स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा, एक ही घात दो कितना हुआ, एक ही घात दो, दो का वर्ग चार, चार एलसीएम, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर, तो ए पी बराबर वर्गमूल 3 ए स्क्वायर अपॉन 4 यानी अंडर रूट 3 ए अपॉन 2,
लंब की लंबाई कितनी निकल आई? निकल आई। अब त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज ए बी सी का सूत्र तो वही रहेगा, एक बटे दो आधार, कितना है आधार इसका बीसी, और ऊंचाई कितनी है एपी। एक बार बताओ बीसी का मान तो ए ही था पर एपी कितना निकाला तुमने, कितना हो गया भाई वर्गमूल तीन बटे दो दूनी चार चार गुणा ए स्क्वायर। तो मोटी मोटी बात अगर मैं कहूँ चार चार हो गई संभावो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी दुनिया के सभी संभावो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा वर्गमूल तीन बटे चार गुणा स्क्वायर स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग भी आपने आठवीं क्लास में खूब किया होगा और बीच बीच में और भी एक दो जगह करते रहे। लेकिन अगर आपसे ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाए जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई आप बता दें, एक की लंबाई को ए कह दिया, त्रिभुज है ए बी सी, कैपिटल लेटर से तो शीर्षों के नाम हो गए, ए के सामने जो भुजा है उसकी लंबाई ए मान ली छोटा ए, बी के सामने जो भुजा है उसकी लंबाई छोटा बी मान ली, और सी के सामने जो भुजा है उसकी लंबाई छोटा सी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकला? संभाव था तो शीर्ष से जब मैंने लंब डाला इस पर तो उसने भुजा को दो भागों में विभाजित किया, लेकिन ये तो संभाव ही नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग है तो ये शीर्ष दो भागों में विभाजित नहीं करेगा, और जब दो भागों में विभाजित नहीं करेगा तो फिर उत्तर आएगा कैसे? ये क्या है परिमाप? वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि ये है क्या परिमाप? परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का। तो इस परिस्थिति में पहुंचने के बाद ये पीछे जितने भी तरीके हमने प्रयोग किए इनमें से किसी भी तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर पाते, ठीक है? तो अपने जो इंडियन मैथमेटिक्स रहा है, एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स, उसमें भी बहुत सारे तरीके बताए गए, उन तरीकों को ही ग्रीक्स ने और दूसरे देशों के लोगों ने पढ़ा, उनमें से ही एक थे हीरोन, उन्होंने इस पर स्टडी किया, डेढ़ दो पेज का एक प्रूफ किया, करते रहे कुछ ना कुछ। लास्ट में वो एक रिजल्ट पर पहुंचे और उन्होंने एक तरीका बताया जिस तरीके से हम इस स्थिति में भी, जिस स्थिति में त्रिभुज की तीन भुजाएं पता होती हैं, उस स्थिति में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के तरीके को हमने जान लिया। उन्होंने एक तरीका बताया, उसको सिद्ध किया उन्होंने बकायदा। मैं यहाँ सिद्ध नहीं करवा रहा हूँ, ना तो कोर्स में है और ना आपका अभी इतना दिमाग परिपक्व हुआ है कि उस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो जो हीरोन का सूत्र हमारी किताब में दिया है वो आया कहां से? कहीं से तो आया होगा। क्यों? हीरोन का जो सूत्र है, क्योंकि हमने जो सूत्र पढ़े वो तो ये पढ़े, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है संभाव्य त्रिभुज का वर्गमूल तीन बटे चार गुणा भुजा का, तो निकाल के दिखाया ना मैंने। ऐसे ही जो हीरोन का सूत्र है, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, सब इंटरनेट यूज करते हो, गूगल पर डालना जाके प्रूफ ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, और बहुत सारे तरीके उसमें आएंगे, उसमें से एक तरीका ऐसा होगा जो आपके समझ में आ जाए जो मेहनत करना चाहता है। तो आज जाके घर पे क्या करोगे गूगल पे? हाँ, आप ढूंढेंगे प्रूफ कि हीरो का फार्मूला कहाँ से आया, हिंदी में बोल देना। तो आप ढूंढेंगे, जैसे मैंने संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बताया, जो बच्चे ढूंढना चाहते हैं, सारे बच्चे तो नहीं चाहते सारी चीजें, जो बच्चे ढूंढना चाहते हैं वो ढूंढेंगे कि ये सूत्र आया कहाँ से, और उसका प्रूफ अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे अगर समझ में आ जाएगा। समझ में आए तभी नोट, गूगल पे तो पढ़ाई फालतू में लिखोगे तो गूगल पे पढ़ा रहेगा ना, जब पढ़ा तो ठीक है, जब समझ में आ जाए तभी नोट।